सभी टैक्सपेयर्स के जीएसटी डैशबोर्ड पे यहाँ पे टर्नओवर शो हो रही है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की दो कैटेगरीज में ये टर्नओवर शो हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टर्नओवर पे ना आपको एक्शन लेना है 31 मई तक। जी हाँ, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है मेरे पास इससे, इसका क्या करना है, क्या इस पे कोई एक्शन लेना है। तो आपके साथ इस वीडियो में सारी डिटेल शेयर कर रही हूँ, जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। studybuddy.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स है न्यू, जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर जिसकी आईटीआर सभी भरनी है 21-22। जीएसटी का अपडेटेड कोर्स है, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो सभी कोर्सेज के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। और हमारी न्यूज़लेटर का बेनिफिट लीजिएगा, दिस इज फ्री फॉर यू। studybuddy.com को विजिट करिए और इसका बेनिफिट लीजिए। तो आपके डैशबोर्ड पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की टर्नओवर दो बॉक्सेस में आ रही है, एस्टिमेटेड एंड बेस्ड ऑन रिटर्न्स फिल्ड। यहाँ जो मैंने केस ओपन किया है इस केस में तो दोनों सिमिलर आ रही हैं, बट हो सकता है किसी केस में ये डिफरेंट भी आ रही हो। क्यों डिफरेंट आएंगी उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी। और पहले आपको ये जानना जरूरी है, जो ये डिस्प्ले टर्नओवर है ना, ये 19 अप्रैल तक की अभी अपडेटेड है। ये अपडेट करते रहते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पे डेट जरूर देख लेना कब तक की ये अपडेटेड है। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं कि ये एस्टिमेटेड टर्नओवर और बेस्ड ऑन रिटर्न्स फील्ड, ये क्या सिनेरियो है। एस्टिमेटेड टर्नओवर एंड बेस्ड ऑन रिटर्न्स टर्नओवर में डिफरेंस तभी आएगा जब आपकी कोई भी रिटर्न, कौन से ईयर की हम बात कर रहे हैं, 21-22 की, पेंडिंग होगी। और जो एस्टिमेटेड टर्नओवर पोर्टल पे शो हो रही है ना, वो एक सिंपल से मैथ्स फॉर्मूला के बेस पे शो हो रही है। यानी कि आपकी अभी तक जितनी भी 3B भरी है आपने, उसमें जो टर्नओवर आ रही है, ठीक है, 3B की टेबल नंबर 3 में आप भरते हो, मल्टीप्लाई करा है उसको कितनी रिटर्न्स आपने फाइल करनी थी, नंबर ऑफ रिटर्न्स, टू बी फिल्ड जितने रिटर्न भरने के लिए आप एलिजिबल थे, एंड डिवाइड करना है नंबर ऑफ रिटर्न्स जितनी आपने फिल कर दी है, ठीक है? ये 3B की बात हो रही है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपकी टर्नओवर है 20 लाख, जो आपने दिखाई है 10 3Bs में, यानी आपने अभी तक 10 3B भरी है, 2 3B अभी आपकी पेंडिंग है, ठीक है? तो कैसे निकलेगी आपकी एस्टिमेटेड टर्नओवर, 20 लाख को मल्टीप्लाई किया जाएगा, कितनी रिटर्न्स आपने भरनी थी, 12, भरी कितनी, 10। तो ये एवरेज आउट किया जाएगा, सिंपल सा मैथ है। यानी आपकी 24 लाख की टर्नओवर एस्टिमेटेड वहां पे कैलकुलेट हो जाएगी। इसीलिए आपको वहां पे दो टर्नओवर दिखी है। और यहाँ मैं 3B की बात कर रही हूँ, बिल्कुल सेम ही कैलकुलेशन CMP08 के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी कंपोजिट टैक्सपेयर्स को भी ऐसी अपनी रिटर्न डैशबोर्ड पे बिल्कुल दिखाई दे रही होगी, ठीक है? तो आपको समझ आ गया यहाँ पे एस्टिमेटेड और बेस्ड ऑन रिटर्न फील्ड क्यों टर्नओवर दो बार दी है। कुछ केसेस में तो ये सिमिलर आ रही होगी, जिन्होंने सारी रिटर्न्स अपनी भर रखी है उनकी तो बिल्कुल सिमिलर आ रही होगी, जिसने सारी रिटर्न्स नहीं भरी है, पेंडिंग है रिटर्न्स, तो उनकी ये अलग अलग आ रही होगी। अब डिस्कशन करते हैं कि अगर ये जो टर्नओवर है वो गलत है तो क्या करना है। तो आपको जो ये बटन दिया है ना व्यू एंड अपडेट का, इस पे क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर दिखेगी। आप देख सकते हो कैसे ये आपकी टर्नओवर आती है। दिस इज योर एग्रीगेट टर्नओवर विल बी एस्टिमेटेड इफ रिटर्न्स आर ड्यू टू बी फिल्ड, ठीक है? तो एस्टिमेटेड तभी अलग होगी जब आपकी रिटर्न्स पेंडिंग होगी। टर्नओवर रिपोर्ट कर सकता है टैक्सपेयर, अगर मान लो आपकी टर्नओवर में डिफरेंस है तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। फिर आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर आ रही है और आप यहाँ पे रिमार्क लिख सकते हो। और कोई भी फाइल अगर आपको अपलोड करनी है तो वो फाइल आप 5 MB तक की PDF या JPEG में यहाँ अटैच कर सकते हो, और फिर यहाँ टिक करके ऑथराइज सिग्नेटरी चूज करके आप इसको सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे जो ये एक्शन है ना, जो चेंज है टर्नओवर का, ये आपको तभी एक्शन लेना है इस पे 31 मई तक, अगर आपको लगे कि आपकी टर्नओवर गलत है। और 31 मई तक आपको टर्नओवर पे दो बार एक्शन लेने का मौका दिया जाएगा। आप ये कहाँ पे लिखा है ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पोर्टल पे न्यूज आई थी, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। यहाँ लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आपकी एग्रीगेट टर्नओवर लाइव कर दी गई है डैशबोर्ड पे। टैक्सपेयर्स अब व्यू कर सकते हैं अपनी एग्जैक्ट टर्नओवर फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, एंड टैक्सपेयर कैन ऑल्सो व्यू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द करंट ईयर बेस्ड ऑन द रिटर्न फील्ड डेट। इवन करंट ईयर की भी आप देख सकते हो, 22 23 की देखने की भी ऑप्शन है। द टैक्सपेयर्स ऑल्सो हैव बीन प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ टर्नओवर अपडेशन इन केस टैक्सपेयर्स फील्स दैट सिस्टम कैलकुलेटेड टर्नओवर
displayed on the dashboard vary from the turnover as per the record. The facility of turnover update shall be provided to all GST registered on common PAN. सभी के लिए facility दी गई है and all the changes by any of the GST in their turnover shall be summed up for computation of annual aggregate turnover for each of the GST. तो किसी के PAN के अगेंस्ट एक से ज्यादा GST नंबर है तो फिर वो सभी के लिए ऑप्शन है और सब में फिर वो समाप्त कर दी जाएगी. एंड टैक्सपेयर्स कैन अमेंड द टर्नओवर ट्वाइस विद इन द मंथ ऑफ मई 22. एंड इसके बाद अगर आप यहाँ तक कोई एक्शन नहीं लोगे या ले लोगे तो आपका जो डेटा है वो फाइनली आपके ज्यूरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को भेज दिया जाएगा. हु कैन अमेंड द वैल्यूज फर्निश बाय द टैक्सपेयर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड. और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एडवाइजरी फॉलो कर सकते हैं. ये एडवाइजरी यही है कि कैसे आपकी एस्टिमेटेड टर्नओवर निकलेगी, CMP 08 के केस में क्या होगा, आपने बीच में कंपोजिशन ली थी उस या फिर स्विच किया था तो फिर आपके कौन कौन से पीरियड देखे जाएंगे, तो ये सारी चीजें, कैंसिल हुआ था रजिस्ट्रेशन या नया रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द ईयर लिया था तो कितना पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, 3B की कौन सी टर्नओवर कंसीडर की जाएगी एक्सेट्रा, इस एडवाइजरी में लिखी है. या एडवाइजरी का लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा. मैं पर बैक चली जाती हूँ. डैशबोर्ड खुल रहा है तो यहाँ आप अपने डैशबोर्ड पे देख पाएंगे दो तीन लिंक दिए हैं आपको. ये है एडवाइजरी का लिंक, यहाँ पे है टर्नओवर कैलकुलेशन का मेथड, और कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है आपको तो आप अपना ग्रेवियंस यहाँ पे डाल सकते हैं. और जो भी आपका ये टर्नओवर है ना, दिस इज अपडेटेड डायनामिकली एज पर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स. Aggregate turnover is updated dynamically based upon the filing done by all the GST and under the plan. और फाइनल जो आपकी टर्नओवर है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर टैक्स ऑफिसर्स वेरिफिकेशन टिल 1 जुलाई 2022. तो अब आपका जो क्वेश्चन था कि क्या हमें अपनी टर्नओवर पे एक्शन लेना है, जो यहाँ पे टर्नओवर दिखाई दे रही है क्या उस पर एक्शन लेना है. अगर वेरिएंस है आपकी टर्नओवर में, यानी आपके हिसाब से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से कुछ और टर्नओवर आ रही है और पोर्टल पे अगर कुछ और टर्नओवर दिख रही है तो आपको एक्शन जरूर लेना है. ठीक है, क्योंकि इसी टर्नओवर के बेस्ड पे ही आपके जीएसटी में कई चीजें डिसाइड होती हैं, जैसे रिटर्न्स की फ्रीक्वेंसी, आप कंपोजिट टैक्सपेयर बन सकते हैं यानी एनुअल रिटर्न की एप्लीकेबिलिटी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं टर्नओवर बेस्ड जीएसटी में. मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको क्लियर हो गया है क्या है इसका लॉजिक. नाउ हमारा डिटेल्ड इनकम टैक्स कोर्स अवेलेबल है, ITR 1, 2, 3, 4 आप फाइल करना सीख सकते हैं. चाहे आप अपनी करिए या किसी और की, यू कैन बी प्रोफेशनल और आपको अच्छे से डिटेल में हम कवर कराएंगे ITR 1, 2, 3, 4 फाइल करने का सारा कंसेप्ट. जीएसटी का हमारा अपडेटेड कोर्स अवेलेबल है. अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो जीएसटी भी सीखना चाहते हैं और इनकम टैक्स भी, तो आप कॉम्बो ले सकते हैं. और अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं बहुत सारी, आप चाहते हैं हम आपका टाइम सेव कर दें, तो हमारा ऑटोमेशन और बैलेंस शीट का कोर्स लीजिए. इन सभी कोर्सेज के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. और हमारी न्यूज लेटर हमने लॉन्च कर दी है, अप्रैल मंथ की अभी आई है, आगे भी मंथली आपको फ्री न्यूज लेटर मिलती रहेगी. तो मेक श्योर studybuddy.com पे आइए, अपने न्यूज लेटर पेज पर आइए और यहाँ पे हमारे न्यूज लेटर को आप रीड कर सकते हैं. दिस इज इन द 3D फॉर्मेट, आप यहीं पे रीड कर सकते हैं न्यूज लेटर को, आप यहीं पे रीड कर सकते हैं. आप यहाँ पे इसे शेयर करने की भी ऑप्शन है, तो आप अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं इसे, इसका बेनिफिट लीजिए. आप हमें फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.